What is up everyone, my name is Abhimanyu and welcome back for another episode in the series called Budget Travel Guide in India. And आज के episode में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत मस्त एडवेंचर से भरी हुई जगह के बारे में जिसका नाम है स्पिति वैली। तो मैं पहले दो बार इस जगह पे गया हूँ, एक बार 2016 में एंड एक बार 2019 में, एंड काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस रहा था मेरा। मैंने ग्रुप टूर भी करा है एंड जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला टूर होता है जिसमें बसेस पर करते हैं, मैंने वो भी करा हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊँगा जितना भी कुछ मुझे पता है इस लोकेशन के बारे में, जिसके अंदर सब कुछ होगा, जैसे स्टे है, ट्रैवल है, फिर अलग अलग जो लोकेशन से विजिट करने की, वो सब कुछ ही बताएंगे एज यूजुअल। एंड बिफोर स्टार्ट द वीडियो, हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो एंड हेल्प दिस चैनल ग्रो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज की वीडियो को मैंने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट आइटनरी एंड थिंग्स टू डू, उसके बाद हम बात करेंगे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैवल का क्या सीन बनेगा, फिर हम बात करेंगे स्टे, एंड लास्ट में हम बात करेंगे FAQs। तो जितने भी ये सेक्शंस हैं, हर एक के अंदर समर में जाने का एंड विंटर में स्पिति जाने का, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा, पहले समर्स का फिर विंटर्स का। एंड एक और चीज़ मेरे को क्लियर करनी थी कि लास्ट ईयर मार्च में वैली क्लोज हुई थी, इस साल अभी 16th या 17th February के अराउंड ये ओपन हो रही है। एंड वहाँ की सभी जो भी लोकल समितीज एंड अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया था, तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए और 72 से 96 आवर्स के बीच वाली होनी चाहिए रिपोर्ट, तो वो वाला रहेगा। तो अगर आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो, किसी ट्रैवल कंपनी के साथ, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक के पास नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि अगर आप खुद कर रहे हो ट्रैवल, आप खुद जा रहे हो, तो जिस भी होटल या होम स्टे में आप रुक रहे हो, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास उसकी नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, वो देखेगा। एंड किब्बर नाम से एक बहुत फेमस विलेज है, उन्होंने नहीं खोला अपना विलेज टूरिस्ट के लिए, तो वो बंद रहेगा। तो अगर आपको वो विजिट करना था स्नोलेपर्ड वगैरह के रिगार्डिंग, तो अभी सही टाइम नहीं होगा। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट रूट क्या है एंड ये स्पिति वैली है किधर। तो जो स्पिति वैली है, यहाँ पे घुसने के दो रास्ते हैं, एक है हमारा शिमला की तरफ से, दूसरा है मनाली की तरफ से। इसका जो सर्किट बनता है वो ऐसा होता है कि आप शिमला से घुस के मनाली निकलते हो, विंटर्स में ऐसा होता है कि मनाली वाली साइड बंद होती है, तो आप शिमला से जाके वापस शिमला ही आते हो। एंड बहुत लोग मनाली से भी जाने की सोचते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए। उसके ये रीज़न है कि अचानक से बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड गेन हो जाता है, फिर आप चंद्रताल भी नहीं जा पाओगे ढंग से, क्योंकि आपको AMS होने का चांस होगा, तो काफ़ी इश्यूज होते ही हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैंने एक बार करा हुआ है एंड मेरा एक्सपीरियंस इतना सही नहीं था वो वाले रूट का, इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट शिमला साइड से घुसो। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं आपको पहले जो जनरल आइटनरी है वो बताऊँगा, फिर इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, एड ऑन्स कर सकते हो, अलग अलग लोकेशंस पे निकल सकते हो, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डे वन पे आप शिमला से निकलोगे सुबह सुबह, आप शिमला में भी एक नाइट स्पेंड कर सकते हो, डायरेक्टली दिल्ली से अगर आप सुबह सुबह शिमला आते हो, तो शिमला से हम निकल जाएंगे 7-8 बजे के आसपास कल्पा के लिए। तो रिकॉन्ग प्यो नाम से काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ पे हम जाएंगे एंड वहाँ के पास में ही है कल्पा नाम से जगह, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत रिलैक्स जगह है, वहाँ से आपको किन्नर कैलाश दिखता है, फिर वहाँ की अलग ही वाइब है। मतलब आप जो कल्पा है एंड रिकॉन्ग प्यो दोनों बढ़िया एरियाज हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ATM वगैरह का जो रहता है कि आप यहीं से पैसे निकालो या फिर आप शिमला से निकालो, तो वो बढ़िया है, बाकी डिटेल में इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। फिर कल्पा से क्या करना है, नेक्स्ट डे आप कल्पा से जाओगे नाको। नाको बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे मोनेस्ट्री भी है एंड थोड़ा सनसेट वाले पॉइंट्स भी हैं, उसके अलावा वहाँ पे लेक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड विंटर्स में ऐसा होगा कि वो लेक जमा हुआ मिलेगा, गर्मियों में ऐसा होगा कि नॉर्मल आप उसके अराउंड वॉक कर सकते हो। लेक के बारे में जो मेरी टिप है, एंड इन जनरल हर एक माउंटेन लेक के बारे में होती है, कि इन लेक से दूर ही चलना चाहिए आपको, ज़्यादा पास में पानी वानी के साथ खेलना और ये सब नहीं करना चाहिए। रीज़न बीइंग, जो ये लेक्स होते हैं इनकी ना डेप्थ मेजर्ड नहीं होती, तो अगर आप गिर गए, पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है, बॉडी शॉक में आ जाएगी। तो बहुत बार लोग ऐसे जोश जोश में बोलते हैं, छोटा सा लेक है, कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, बहुत केसेस मैंने ऐसे सुने हैं लोकल से, तो वो गिर जाते हैं या तो उसमें, या तो मतलब बॉडी मिलती ही नहीं है, अलग अलग बहुत गड़बड़ केसेस होते हैं, तो मत करना नाको जाके ये वाली चीज़। एंड इसमें ये चीज़ भी आप कर सकते हो कि नाको में आप देख के आराम से, आप नाको में स्टे ना करो, नाको से थोड़ा बाहर निकल के एक जगह है जिसका नाम है चांगो। तो हमने चांगो में स्टे किया था क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग रुकते हैं, ज़्यादा टूरिस्ट आपको नहीं मिलेंगे, काफ़ी थोड़ा ऑफ बीट टाइप एक्सपीरियंस बन जाते हैं। एंड वहाँ पे हमने मिल्की वे भी शूट की थी, मैं अभी क्यू इन कर दूंगा, आप देख लोगे कितना अच्छा नज़ारा था। अब नेक्स्ट डे नाको से हम जाएंगे काजा। तो बीच में दो पॉइंट्स आएंगे जिसमें एक है टाबो,
एक है ढंकर। तो टाबो के अंदर मॉनेस्ट्री है एंड वहाँ पे केव्स वगैरह भी हैं। टाबो की खास बात यह है कि वहाँ पे जो मॉनेस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा साल पुरानी है, आई गेस अराउंड 1000 ईयर से भी ज़्यादा पुरानी है, एंड उसको अजंता एलोरा ऑफ हिमालयस भी बताते हैं। वहाँ पे फिर एक उन्होंने न्यू मॉनेस्ट्री टाइप भी स्ट्रक्चर बना रखा है जहाँ पे हिज होलीनेस दलाई लामा के लिए उन्होंने वो रूम बनाया था। एंड जो मॉनेस्ट्री है उसके अंदर शूट करना नहीं अलाउड है, एंड बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क है अंदर, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको देख के। अगर आप हिस्ट्री के एंड जैसे आर्ट वर्क्स के मतलब फ़ैन हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड जैसे हम गए थे, हमको वहाँ पे जो लोकल्स थे उन्होंने सेब भी खिलाए थे वहाँ मॉनेस्ट्री के बाहर ही, तो बढ़िया एक्सपीरियंस था। एंड फिर वहाँ के बाद फिर जो ढंकर जगह है, ढंकर में भी आपकी मॉनेस्ट्री है। ढंकर मॉनेस्ट्री की बात यह है कि वो जो लोटस की पेटल्स होती हैं उसके टाइप का माउंटेन स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मॉनेस्ट्री है। तो वहाँ पे हुआ क्या कि मतलब वॉर्स वगैरह भी, मतलब काफ़ी रिच हिस्ट्री है वहाँ की भी, आपका वहाँ पे बाहर बोर्ड है पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। तो वहाँ पे ये इशू है कि हवा इतनी ज़्यादा फ्लो करती है क्योंकि काफ़ी हाइट पे एंड अलग से मतलब एक्सपोज्ड है वो मॉनेस्ट्री का पार्ट, तो होता क्या हवा के कारण सॉइल इरोजन हो गया है तो मॉनेस्ट्री कोलैप्स कर सकती थी। तो अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड कुछ और अथॉरिटीज़ ने, लोकल अथॉरिटीज़ ने, उन सब ने मिल के इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करी है। तो आप भी अगर उधर जाओ तो आप डोनेट कर सकते हो उसके प्रिजर्वेशन के लिए, बढ़िया वाइब है वहाँ की भी। एंड उसके बाद फिर हम काजा चले जाएंगे। सो नेक्स्ट डे हमारा होने वाला है लोकल साइट सीइंग का। इसमें हम 3 मेजर लोकेशंस विजिट करेंगे जिसमें है हिक्किम, लांगजा एंड कॉमिक। तो हिक्किम की बात यह है कि वहाँ पे है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, तो आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ से आप पोस्ट कार्ड भेज सकते हो। हमने भी भेजा था भाई, मैंने जिसको भेजा मेरा तो डिलीवर हुआ नहीं, बट ठीक है अगली बार जाऊँगा तो दोबारा भेजूंगा। उसके बाद आता है फिर अपना कॉमिक। कॉमिक इसलिए फेमस है कि वो वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है जो मोटरेबल रोड से कनेक्टेड है, तो उसकी ये वाली खास बात है। एंड वहाँ पे मॉनेस्ट्री है, फिर कैफ़े वगैरह भी, आप वहाँ पे बैठ खाना वाना खा सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। उसके अलावा है लांगजा। तो लांगजा इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी एक मैत्री बुद्धा की स्टैचू है जो वैली की तरफ देखती है। एंड लांगजा इज़ फेमस फॉर बीइंग द फॉसिल विलेज, वहाँ पे आपको फॉसिल्स मिलेंगे, सी क्रीचर्स एंड ऐसे बहुत पुराने पुराने। इसके रिगार्डिंग एक सिंपल सी बात मैं क्लियर बिल्कुल ब्रूटल उसमें बोलता हूँ ऑनेस्टली में, वहाँ जाओ तो गवारों की तरह मत बिहेव करना। वहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, जाके वो फॉसिल्स को घर पे ले आते हैं। अब वो विलेज फेमस है उनके लिए, अगर हम सभी जाके वो लेकर आ जाएंगे तो वहाँ पे देखने के लिए बचेगा क्या। तो टूरिस्ट हो, ट्रैवलर हो, कोई भी हो, अगर वहाँ पे जाओ तो उन फॉसिल्स को मत लेकर आना। अब इस सब को देखने के बाद हम वापस काजा आएंगे, एंड हमारे पास काफ़ी टाइम होगा काजा को एक्सप्लोर करने का, चिल करने का। तो यहाँ पे आप आराम से घूम सकते हो, लोकल कल्चर है उसको देख सकते हो, ऑथेंटिक फूड ट्राई करना है आपको तो वो भी कर सकते हो, काफ़ी रेस्टोरेंट हैं, कैफेज़ भी बहुत सारे हैं, तो आप जाके चिल कर सकते हो, आराम कर सकते हो। अब नेक्स्ट डे हम काजा से जाएंगे चंद्रताल के लिए। तो इसमें बीच में हम और 3 लोकेशंस पे विजिट करेंगे जिसमें है की किब्बर एंड चीचम का जो ब्रिज है बहुत फेमस। की मोनेस्ट्री सबको पता है, हाईवे मूवी के अंदर भी दिखाई थी, ये वाली फोटो में डाल रहा हूँ आप देख के समझ जाओगे, बहुत फेमस है भाई ये। उसके अलावा फिर आता है किब्बर। किब्बर वैसे बढ़िया आपको आर्किटेक्चर दिखेगा, अच्छे नज़ारे हैं। उसके अलावा किब्बर जो मेजरली फेमस है वो इसलिए कि वहाँ पे जो आपका स्नो लेपर्ड होता है उसकी स्पॉटिंग के लिए जाते हैं सर्दियों के टाइम पे। एंड किब्बर के बाद फिर अपना आता है चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज की खास बात ये है कि वो एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज एंड मतलब अराउंड 1000 फीट का ड्रॉप है, तो जो ब्रिज आप जब उस पर चलोगे गाड़ी जाएगी तो आपको थोड़ी थोड़ी से मूवमेंट और वाइब्रेशंस फील होंगी। बढ़िया जगह है, फोटो वोटो क्लिक करने के लिए भी अच्छा है। उसके बाद जो आगे वैली है उधर भी अच्छा दिखता है, मतलब मैंने कुछ शॉट्स वहाँ पे निकाले थे, बढ़िया नज़ारे मिले थे मेरे को। फिर इससे आगे निकल के हम कुंजुम पास क्रॉस करके पहुँचेंगे चंद्रताल। तो चंद्रताल की अपनी अलग ही बात है, वो सभी को पता होता है कैसा है, हमटा पास के बाद भी लोग चंद्रताल आते हैं। एंड 14,000 फीट पे लेक है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, एंड चांद की शेप का है तो इसलिए इसको चंद्रताल कहते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ लोकल लेजेंड्स यहाँ से रिलेटेड हैं, जैसे फेरीज़ के बारे में भी है कि यहाँ पे अप्सराएं दिखती थी, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के मतलब लेजेंड्स हैं। तो आप जा सकते हो, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, एंड आप लोकल से अलग अलग स्टोरीज सुन सकते हो कि ये कैसा है लेक एंड इससे अलग क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं। उससे अगले दिन हम चंद्रताल से सुबह सुबह थोड़ा टाइम से निकलेंगे मनाली के लिए, एंड इसमें हम रोहतांग पास क्रॉस करेंगे। एंड ये थोड़ा गड़बड़ रास्ता होगा बहुत जगहों पे, रोड इतना अच्छा नहीं बन रखा है, बट बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। एंड मनाली आओ, फिर आप आराम से ओल्ड मनाली में चिल कर सकते हो, कैफेज़ वगैरह में जा सकते हो, सही रहेगा। अब जो आइटनरी मैंने ये बताया है ये है आपका जनरल आइटनरी जो यूजुअली लोग फॉलो करते हैं।
इसके अंदर अब और क्या क्या ऐड करा जा सकता है, एड ऑन्स वगैरह, वो सब बताता हूँ मैं। पहली बात, इसमें बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप एक एक नाइट स्पेंड कर सकते हो, जैसे किब्बर में भी कर सकते हो आप। लोसर आती है एक जगह जो आपका काजा से चंद्रताल जाते हो बीच में आती है, तो आप लोसर में भी रुक सकते हो, वो भी सही है। उसके अलावा ढंकरन टाबू है, वहाँ पे भी रुकने की फैसिलिटी है, तो वहाँ पे भी रुक सकते हो, वहाँ पे भी अलग आपकी वाइब होती है। एंड जैसे आप जब शिमला से आ रहे थे, तो शिमला से आते टाइम जब आप कल्प आते हो, तो आप एक नाइट के लिए चितकुल भी जाके वापस आ सकते हो, तो चितकुल भी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे जाओ चितकुल में स्टे करो। तो ऐसे मल्टीपल लोकेशंस हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, या अपना एक दिन बढ़ा सकते हो जैसे आप चितकुल गए। उसके अलावा फिर पिन वैली है, जैसे हिमाचल में कहते हैं स्पीति वैली है, वैसे स्पीति के अंदर कहते हैं पिन वैली है। तो पिन वैली ज़्यादा सुंदर है, मतलब बहुत ही अलग नज़ारे हैं। एंड मैं एक बार ही गया हूँ पिन वैली, वहाँ पे 17 विलेजेस हैं, जिसमें जो सबसे लास्ट की तरफ आता है वो है मूद, MUDH, तो बहुत लोग उसको मड विलेज कहते हैं, वैसे मूद विलेज है इसका नाम। वहाँ का ऐसा रहता है, आपने सुना होगा दो ट्रैक्स हैं काफ़ी फेमस, पिन पार्वती पास एंड पिन भाभा पास। तो ये पिन वैली है, तो यहाँ मूद विलेज पे आके इंडिया स्टार्ट होते हैं आप, जिस भी साइड से आप कर रहे हो ये दोनों ट्रैक्स, तो वहाँ पे आते हो आप, तो बढ़िया है वो भी। अब सीन ऐसा रहेगा कि एक्सट्रीम विंटर्स में पिन वैली वाली साइड क्लोज्ड होती है, स्पीति से कट ऑफ होती है, तो वहाँ का थोड़ा आपको इशू रहेगा। दूसरी बात, जो अभी हमने विलेजेस बताए थे, हिक्किम है, कॉमिक है, लांग्स है, जो ऐसे विलेजेस हैं, इन विलेजेस के भी बहुतों के रोड्स विंटर्स में क्लोज्ड होते हैं हैवी स्नोफॉल के कारण, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप विंटर्स में आ रहे हो इधर। तो यार आइटनरी का हो गया, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि ट्रैवल का एग्जैक्टली क्या सीन बनेगा। तो दो तरीके हैं करने के, या तो आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, या फिर आप मतलब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करोगे। तो अपनी गाड़ी का ऐसा सीन रहेगा कि कुछ चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए अगर आप समर या विंटर जब भी आ रहे हो, कि गाड़ी की क्लियरेंस सही होनी चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को वहाँ पे सेंट्रो एंड वैगनार वगैरह भी लेकर आए हुए देखा है, जो नॉर्मल अपने दिल्ली हरियाणा पंजाब टाइप वाले लोग थे, उनको बात ऐसी है, पीने को तो जहर भी पी सकते हैं, बट उसको पीना थोड़ी चाहिए, तो क्यों अपनी गाड़ी के साथ ऐसे करना। सही गाड़ी लेके आओ जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस सही है, एंड थोड़ा मतलब 4x4 लेकर आ सकते हो तो बढ़िया बात है। वैसे मेजॉरिटी जगह पर रोड अच्छे बन रखे हैं, कुछ कुछ स्ट्रेचेज हैं जो बहुत गड़बड़ हैं, जैसे जो चंद्रताल की साइड के हैं, फिर चंद्रताल से आगे मनाली वाली साइड के हैं, वो गड़बड़ रहेगी अगर आप विंटर्स में आ रहे हो। तो मैं ये कहूँगा कि उसी बंदे को आना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस है आइस एंड स्नो में चलाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने वाले हैं, मतलब ज़बरदस्त इश्यूज़ होने वाले हैं। टेम्परेचर -20 -30 चला जाएगा, तो आपका डीजल भी जम जाना है, फिर आपको स्लिपरी रोड्स बहुत होंगे, अलग अलग इश्यूज़ होंगे। अभी जैसे मनाली में अटल टनल की तरफ खुले थे, वहाँ स्नोफॉल हुआ था, दुनिया ने गाड़ी भिड़ाई एक दूसरे के साथ, क्योंकि सब पहुँच गए, एक्सपीरियंस किसी को था नहीं ढंग से चलाने का, तो बहुत रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपका वो स्किल सेट है तो ही अपनी गाड़ी लेकर आओ, वरना अवॉइड करना। अब दूसरा तरीका है इसमें ट्रैवल करने का, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐसा है, जो मेजर बसेस होती हैं तो वो आपकी चलती हैं सरकारी वाली मेन मेन जगहों के लिए। एग्जैक्ट टाइमिंग का आई वुड सजेस्ट कि आप चेक करो, वो ज़्यादा बेटर है, आप मेरे भरोसे मत जाओ एग्जैक्ट टाइमिंग में, इनका एग्जैक्ट आप देख सकते हो वेबसाइट पे, आपको सही डिटेल मिल जाएगी। तो इसके अंदर ऐसा आपको शिमला से मिल जाएगी काजा के लिए बस, रिकांगपियो के लिए तो सभी चलती है, फिर रिकांगपियो काफ़ी फेमस जगह है इसे, तो आप शिमला से रिकांगपियो है वहाँ की मिल जाएगी, फिर रिकांग से आपको काजा की मिल जाएगी, काजा से वापस मनाली की भी मिल जाएगी। तो इसके अंदर होगा क्या, जो आसपास की कुछ कुछ जगहें हैं, फिर पिन वैली की भी आपको मिली जाएगी, कुछ कुछ छोटे छोटे विलेजेस हैं वहाँ पे बसेस नहीं जाती हैं, या जाती भी हैं तो दिन की एक जाती है, कि एक बार गई और एक वापस गई, ये वाली फ्रीक्वेंसी रहती है। तो इसके अंदर मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि एक तो होता है शेयर टैक्सी वाला कंसेप्ट, वो आप कर सकते हो, वहाँ पे शेयर टैक्सी बहुत चलती हैं, उस पर आप देख लो, वो सस्ता भी पड़ता है, बट आई एम नॉट श्योर अभी कोविड के टाइम पर कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो आपको इशू समझना होगा। दूसरा रहता है कि आप कैब हायर कर लो, कैब थोड़ी महंगी पड़ती है लोकल साइड सीन के लिए, 2500-3000 की पड़ती है, डिपेंडिंग अपन कैसी गाड़ी है, एंड वो आपको आसपास की 3-4-5 पॉइंट्स दिखा देगी। फिर सस्ते वाला तरीका ये होता है कि आप या तो बुलेट या फिर अपना कोई स्कूटी वो हायर कर सकते हो, वो सस्ती पड़ती है, आपके दिन के 500-1000 रुपये टाइप होती है, वो डिपेंडिंग अपन क्या आपने हायर करा है, एंड आप उस पर आसपास के विलेजेस एक्सप्लोर कर सकते हो। सर अब बात करते हैं स्टे की। तो सीन ऐसा है कि जितनी भी मैंने मेजर ये जगहें बताई है, इन सभी जगहों में स्टे का प्रॉपर सॉर्टेड हिसाब है, आपका होटल्स एंड होम स्टेज तो हर जगह है। अगर होटल कुछ खास ऐसे नहीं मिलेगा, होम स्टे तो हर एक गांव के अंदर है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जो चंद्रताल है, चंद्रताल में कैंपिंग ही होती है, आपका बजट कैसे है उसके बेसिस पे स्विस टेंट मिलेगा आपको या नॉर्मल तंबू वम्बू टाइप वाला होगा, तो वो डिपेंड करेगा आपका बजट कैसे है। तो स्टे का ऐसा रहेगा, मैं प्रेफर करता हूँ होम स्टेज, क्योंकि कंफर्टेबल रहते, बढ़िया रहते हैं। एंड विंटर के अंदर ऐसा होगा, विंटर के अंदर कैंपिंग वैम्पिंग वाला सीन होएगा ही नहीं, मड हाउसेज एंड होम स्टेज ये सब होता है, क्योंकि भाई -15 -20
बैक्टीरिया कैसे होंगे, तो ये वाला सीन रहेगा। अब होम स्टेज की रिकमेंडेशंस की मैं नीचे एक लिस्ट डाल दूंगा, यहाँ साइड में डाल दूंगा, अलग अलग विलेजेस की हैं, तो मैंने अलग अलग दोस्तों से एंड कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मैंने निकाले, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आप जाके देख सकते हो स्टे। सर अब बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, जो जो डाउट्स हैं, तो इसके अंदर मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बजट की, क्यों लोगों को रहता है बजट कितना होगा। यार देखो, एग्जैक्ट बजट इसमें बताना बहुत टफ है, रीज़न बीइंग अलग अलग लोकेशंस हैं, अलग अलग जगहें हैं, फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं। सबसे सही तरीका जो है, जो मैंने खुद एग्जीक्यूट करा है और भी मैंने बहुत लोगों से सुना है जो उन्होंने किया था, कि पर डे मिनिमम 1,000 रुपये तो आपका खर्चा होएगा ही होएगा स्पीति में, मतलब ये तो मिनिमम खर्चा मैंने आपको बताया। तो मैं बताता हूँ सेफ साइड आप क्या कर सकते हो, 1,500 रुपये पर डे का खर्चा मान के चलो, तो आपका सही बजट बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कोविड नॉर्म्स की, अभी खुल रहा है ये 16-17 फेब से, तो क्या सीन है, क्या क्या रूल्स हैं। किब्बर विलेज के बारे में मैंने बता दिया कि वो बंद है। दूसरा कि आपका ये वाला मंच, आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए तभी होगा, नहीं तो आप ऑपरेटर या जो होटल वाला है उस पर इशू रहेगा, तो उसको देखने वाली चीज़। तीसरा, मास्क आपको हमेशा लगाए रखना है अपने होटल या होम स्टे से बाहर निकलते ही। नेक्स्ट आते हैं हाइजीन पे, तो समर्स में तो भाई सॉर्टेड है, मतलब नहाना है, फ्रेश होना है, सब होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रताल में गर्मियों में भी नहाने का सीन नहीं बनेगा, क्योंकि गर्म पानी कहाँ से आएगा, एंड आप 14,000 फीट पे, पेड़ भी नहीं है तो इशू रहता है, तो वहाँ पे आपको नहाने का सीन नहीं मिलेगा। पहले क्लियर बता देता हूँ मैं, वॉशरूम वगैरह का प्रॉपर होता है, इंग्लिश सीट्स होती हैं, वर्किंग गेट वगैरह वो सब सही होता है। सर्दियों में ये होगा कि आपका वो वाली साइड तो बंद है, चंद्रताल वाली साइड, वहाँ तो जाने का होगा ही नहीं, तो सर्दियों में ऐसा रहेगा कि भाई मेजॉरिटी जगह सिर्फ ड्राई टॉयलेट्स होते हैं, तो उसके बारे में आप चेक कर सकते हो क्या होता है। बहुत जो ऑथेंटिक जगह है वहाँ पे तो ऐसा होता है कि एक होल होता है एंड नीचे सीन होता है, मतलब आप सर्च कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर एंड व्हाट टू पैक, तो जो गर्मियों वाला टाइम होता है नॉर्मल अपना टेम्परेचर रहेगा, ज़्यादा ऐसा आपको इशू नहीं आएगा, नॉर्मल जैकेट्स वर्क करेंगी। एंड जो चंद्रताल है, चंद्रताल पे आपको रात के और शाम के टाइम ठंड मिलेगी। एंड सर्दियों में ऐसा होगा कि ज़बरदस्त ठंड होएगी, मतलब भयंकर ठंड होएगी, तो जितने लेयर्स आप डाल सकते हो, 4-5 लेयर्स कर सकते हो भाई डालो। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी विंटर लेयरिंग के बारे में, ट्रैक वगैरह से रिलेटेड थी, तो आप वो वीडियो देख के समझ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं ATM एंड पेट्रोल पंप पे, तो ATM का ऐसा है शिमला, रिकंगपियो, कासा, इन 3 जगह पर मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा भाई शिमला से ही कैश निकाल के चलना, क्योंकि काजा में आप गारंटी नहीं है बंद है या नहीं है, या लाइन मिल सकती है। दूसरी बात यार, वहाँ पे लोकल्स को भी पैसे निकालने हैं, तो आप वहाँ जाओ, आप यहाँ से 2-3 हज़ार से लेके जा रहे हो, वहाँ पे आपको 15-20 हज़ार की कहीं पेमेंट करनी पड़ गई, तो आप क्या करोगे। आप समझ लो लोकल्स पे भी ऐसे प्रेशर आएगा, क्योंकि उनको भी पैसे चाहिए होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा शिमला से अगर लेके जा सकते हो लेके जाओ, पेट्रोल पंप का भी इशू नहीं है, काजा में पेट्रोल पंप है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है सच। नेक्स्ट आते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट, तो भाई देखो ये 3 अलग अलग सीजन्स बनते हैं, मेरे हिसाब से तीनों सीजन्स में आप आ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या देखना है। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका नॉर्मल सीज़न होता है, जून जुलाई के टाइम वाला, जब रोड्स वगैरह खुल जाते हैं कुंजुम पास वाले, तो यहाँ पे ऐसा सीन होगा, इस टाइम पे आपको थोड़ी थोड़ी हरियाली मिलेगी वैली के अंदर, उसके अलावा थोड़ा थोड़ा सूखा होगा, काफ़ी बादल होंगे, अच्छे नज़ारे होंगे, सारी लोकेशंस खुली हुई होंगी तो बढ़िया होगा। फिर उसके बाद जो सीज़न होता है आपका ऑटम वाला, तो सेप्टेम्बर अक्टूबर एंड अक्टूबर के एंड वाले टाइम पे, उस टाइम पे सब कुछ सूखा मिलेगा आपको, ज़बरदस्त ड्राई होगा, तो मैंने उस टाइम पे ही करा है, एंड तब भी सारी लोकेशंस खुली होती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आता है। ट्रांजिशन कलर्स दिखते हैं तो वो भी बढ़िया होते हैं, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज वगैरह है, ऑरेंज है, ब्लू है, क्लाउड्स काफ़ी हैं, थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी मिल सकती है आपको अगर आप अक्टूबर के मिड एंड के टाइम पे हो, तो वो भी बढ़िया ही रहते हैं। एंड लास्ट है विंटर्स, विंटर जाते हैं भाई एडवेंचर के लिए, वहाँ पे साइड सीन नहीं होती भाई, विंटर का मेन उतना होता है कि एडवेंचर करना है, माइनस के टेम्परेचर देखने हैं, अलग ही वाइब होती है, अलग ही चैलेंजेस होते हैं, तो बढ़िया रहता है। तो डिपेंड करता है आपको किस टाइम जाना है, क्या देखने जाना है। अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर आप विंटर में आ रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो इसमें सबसे पहले आता है सनग्लासेस, क्योंकि स्नो ब्लाइंडनेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर सनग्लासेस। सेकंड, अगर आपके पास गेटर्स हैं तो लेकर आ जाओ, नहीं है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बट उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप स्नो, मतलब स्नो में खेल रहे हो, सबके लिए। तीसरा आपका रहेगा कि SPF 40 या 50 वाली आपके पास सनस्क्रीन होनी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्त धूप होती है, बहुत भयंकर चुभने वाली धूप होती है, एंड आपके पास ऐसी भी चीज़ होनी चाहिए कि आपको कवर रखना है हाथ एंड गर्दन वगैरह, सो दैट टैनिंग ना हो, क्योंकि नाक तो दुनिया का जलता है, तो आपको वो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी चाहिए।
तो यार लास्ट वीक मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था आपसे कि अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हैं इस ट्रिप के रिगार्डिंग, तो उसमें सबसे पहला था टेंट पिच करने के रिगार्डिंग कि अपने टेंट का क्या सीन है। तो इसमें यार ऐसा रहेगा कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये चीज़ करी है, तो चीज़ ऐसे सही रहेगी कि अगर आप जिस भी विलेज में जा रहे हो तो किसी होम स्टे से बात करके उनके एरिया में टेंट पिच कर दो, उससे सेफ्टी का रहेगा। आप उनसे खाने की बात कर सकते हैं कि टेंट आपने फ्री में लगा लिया बट खाना उनके वहीं पर ही खा रहे हो आप, तो वाली चीज़ हो जाएगी। डिपेंड करेगा डील आपने क्या उनके साथ करी है। एंड दूसरा ये रहेगा कि अगर वहाँ पे विलेजेस नहीं है जहाँ पे आप जा रहे हो शूट वगैरह उस सब के रिगार्डिंग, तो ये थोड़ा अनसेफ हो सकता है क्योंकि वेदर की आपको नहीं पता कि वेदर की क्या गारंटी है, चेंज हो सकता है, वो आपको एक्यू वेदर पे देख के जाना चाहिए। दूसरी बात, जंगली जानवरों का भी खतरा है तो ये आपको देखना पड़ेगा। एंड फिर नेक्स्ट था बजट के रिगार्डिंग। तो यार बजट ट्रिप प्लान करने के यही तरीके होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, फिर हॉस्टल्स या होम स्टेज में रहो, सबसे सही तरीका ये होता है, एंड एक्स्ट्रा खर्चे काटने होते हैं। एंड तीसरा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एग्जीक्यूट करना है उस सब का। तो यार देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता बहुत पड़ता है। मैंने 7,000 रुपये में 7 दिन की ट्रिप करी हुई है 2016 में डेली से डेली, तो आप समझ सकते हो कि ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेफ्टी का भी इशू नहीं आता है। बट सोलो ट्रैवल में इशू ये होता है कि जब आप ऐसे करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो इशू ये बनेगा कि जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी बस वगैरह है, ये आप हर जगह तो रोक नहीं सकते, तो आप शूट नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई अच्छा शॉट दिख रहा है, कोई अच्छी लोकेशन दिख रही है, तो शूट करने का इशू है। दूसरा इशू ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लिमिटेड होती है, तो एक या दो बस होती है, मतलब मेजॉरिटी जगह तो एक ही बस होती है उस दिन की, एक जाएगी और एक बस वापस आएगी उस दिन। तो अब आप समझ रहे हो कि अगर आपसे वो बस मिस हो गई है तो आपको फिर टैक्सी या शेयर टैक्सी और कैब वगैरह इन सब का देखना पड़ेगा, वो इशू रहेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अपने फ़ायदे हैं, बट फिर वो होता है कि डेज भी एक्सटेंड हो जाते हैं कि अगर आपकी कभी बस मिस हुई है या फिर आपको किसी लोकेशन पे सही लग रहा है, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। मतलब यार मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, जितनी भी मेरी नॉलेज है, मैंने सब कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। स्टिल अगर कुछ भी मिस हुआ है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं सभी कमेंट्स को कंपाइल करके एक कमेंट बना के उसको पिन कर दूंगा, सो दैट बाकी सबको ईजी रहे। उसके अलावा कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है या और कोई वीडियो आपको देखनी है, तो डू लेट मी नो द कमेंट्स बिलो, ज़रूर बताओ यार, उस पर कुछ हम बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए यार ख्याल रखो एंड बाय।